राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी की भाजपा नेताओं को नसीहत, कहा मुस्लिम समाज के बारे में गलत बयानबाजी ना करें। लोकसभा चुनाव तक भाजपा अध्यक्ष रहेंगे नड्डा, जून 2024 तक बढ़ा कार्यकाल, मोदी बोले चुनाव में 400 दिन बाकी। केरल के मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित, दूसरे धर्मों के कलाकार परिसर के बाहर बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऑडिटोरियम। बीएसएफ को पंजाब के गुरदासपुर के ऊंचा टकला गांव में मिले चीनी हथियार, पाकिस्तान ड्रोन से गिराए गए थे। देवरिया में पुरानी जमीनी रंजिश में चली गोली, एक घायल, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां फरवरी 2023 में आयोजित होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में द होटल ओबेरॉय ग्रैंड में आयोजित रोड शो में औद्योगिक घरानों, उद्योगपतियों व निवेशकों को नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने उपस्थित निवेशकों को उत्तर प्रदेश सरकार के प्रगतिशील जनउपयोगी और विकास की नीतियों से अवगत कराया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभियान चलाकर चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की पार्किंग व आसपास के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाए गए। वहीं इस मौके पर प्रवर्तन जोन 2 के जोनल अधिकारी देवांश त्रिवेदी व एसडीएम सरोजनी नगर सिद्धार्थ कुमार ने एयरपोर्ट व अडानी ग्रुप के अधिकारियों के साथ आसपास के पूरे क्षेत्र का भ्रमण करके समस्याओं का निस्तारण कराया। खबर हरदोई से है, जहां जिले में कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले के रहने वाले एक भाजपा नेता पर समाजवादी पार्टी के नेता की बेटी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप लगा। मामले में पीड़ित पक्ष के शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि सपा नेता की बेटी की शादी तय हो गई, इसी के चलते दोनों घर छोड़कर फरार हो गए। 13 जनवरी को लगभग 2:30 बजे उनकी बेटी, जिसकी उम्र लगभग 26 साल है, वह घर से कहीं चली गई। पता करने पर उनको पता चला कि आशीष शुक्ला नाम का एक व्यक्ति शादी का झांसा दे करके, बाला फुसला करके उसको कहीं भगा ले गया है। पुलिस को इनके द्वारा तहरीर दी गई है, उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके शीघ्र जो अपहृता है, जो गायब है, उसको बरामद किया जाएगा। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर के निर्माण का विरोध कर रहे सेवायत व व्यापारियों के साथ गोवर्धन गिरिराज जी के सेवायतों ने भी उनके समर्थन में आवाज उठाई और दान घाटी मंदिर परिसर में आयोजित बैठक में मंदिर सेवायतों ने कॉरिडोर निर्माण के विरुद्ध आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए उनके साथ संघर्ष को सहयोग करने की बात कही। बता दें कि वृंदावन में बिहारी जी कॉरिडोर निर्माण की प्रक्रिया शासन ने शुरू कर दी है, जिस पर वृंदावन बिहारी जी के सेवायतों व व्यापारियों द्वारा विरोध स्वरूप आंदोलन किया जा रहा है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर कार की टक्कर से तेंदुआ मारा गया। एक्सप्रेसवे पर टोल प्लाजा के पास यह दुर्घटना हुई। बता दें कि टोल के पास गुजरते वाहनों में एक कार के आगे अचानक से तेंदुआ उछल कर आया, जिसके बाद कार की स्पीड तेज होने और वाहनों का दबाव होने के कारण अचानक तेंदुए को कार की टक्कर लगी और तेंदुआ हवा में उछल गया। वहीं मौके पर ही तेंदुओं की मौत हो गई। बता दें कि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद राहगीरों ने फौरन पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन शुरू की। खबर कानपुर से है, जहां के बेकनगंज थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया।
वहीं बहू ने आरोप लगाया है कि पुलिस को बार बार फोन करने के बावजूद भी बेनकगंज पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जबकि वारदात बेगमगंज थाने से 100 किलोमीटर दूरी पर हुई है। रोल क्या मामला है? जान मोहम्मद हैं, जो कि बेगमगंज में मसाला वाला गली है उसके रहने वाले हैं। इनकी उम्र लगभग 80 साल के आसपास थी जी। इनकी फैमिली वाले इनको हॉस्पिटल जब ले गए तो इनको डॉक्टर्स के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया जी। पंचायतनामा की कार्रवाई कर पीएम किया जा रहा है, इनका भेजा गया है इनको, उसकी रिपोर्ट में जो भी तथ्य निकल के आएंगे उसके आधार पर आवश्यक विधि कार्रवाई की। सर घर वाले आरोप लगा रहे हैं इनकी पीट पीट के उनको मारा गया, इनकी पिटाई करी गई है काफी। ये देखिए अभी पीएम होगा, उसमें जो रिपोर्ट में निकल के आएगा उसके आधार पर। परिवार का आरोप है कि पुलिस को बार बार फोन कराया गया उसके बावजूद पुलिस नहीं आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जब भी कॉल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।